ये नज़ारा है पुलिस थाने का, जहां पुलिस इस भीषण ठंड में गायों की भी सुरक्षा कर रही है। जी हां, जन सेवा को अपना पहला कर्तव्य मानने वाली पुलिस इन दिनों मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में देशभक्ति और जन सेवा के साथ साथ गौ सेवा कर एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। आगर मालवा जिले के एक पुलिस थाने में गायों को लेकर मानवता की एक अलग ही मिसाल दिखाई दे रही है। लावारिस गायों को कपकपाती ठंड से बचाने के लिए रात भर अलाव लगाकर बारी बारी से पुलिस गौ सेवा की ड्यूटी निभा रही है। हमेशा अपराधियों को पकड़ने वाली सख्त पुलिस सुसनेर में इन दिनों गायों के लिए एक माँ की तरह जिम्मेदारी निभाई जा रही है। पुलिस सुसनेर थाने के परिसर में लावारिस गायों को पाल रही है। दरअसल सुसनेर थाने के आसपास ग्राउंड में पिछले कई सालों से नगर में घूमने वाली लावारिस गायें बैठी रहती हैं। इन गायों के लिए पानी से लेकर चारे की व्यवस्था तक कई बार थाने में मौजूद पुलिसकर्मी करते हैं। कड़कड़ाती ठंड के कारण कई गायों को असमय मौत होती जा रही है, इसलिए पुलिसकर्मी गायों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, ये जो सुसनेर थाना परिसर में गायों की सेवा की जा रही है, ये किस तरह से विचार आया, कब से कर रहे हैं सर? मैं पिछले साल से यहाँ पर हूँ और पिछले वर्ष भी काफ़ी सारी मात्रा में जो गायें थाना परिसर में आती रही हैं और इस साल भी आई हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी ठंड पड़ी थी और इस बार भी काफ़ी ठंड है, तो गायों को ठंड से बचाने के लिए हम लोगों के द्वारा जो है लकड़ी की व्यवस्था करके इनके लिए अलाव जला जाता है ताकि रात भर जो गायों को गर्मी मिल सके। इसके अलावा इनके चारे पानी की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं, पिछले वर्ष भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। सर, किस तरह की फीलिंग्स लोग के, किस तरह से लगता है इस तरह की सेवा करके, जन सेवा के साथ में गौ सेवा भी कर रही है पुलिस? हाँ, काफ़ी खुशी होती है क्योंकि चूँकि अब क्या है कि जवान वाले लोग तो बोल सकते हैं कि भाई उनको भी तकलीफ हो, तो पर बेजवान गाय हैं जो कि काफ़ी मात्रा में ठंडी पड़े तो भी किसी को बोल नहीं सकती हैं, तो एक सेवा करने का अवसर मिलता है और आत्मिक खुशी इससे मिलती है हम लोग। बाकी लोगों को सर समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे, इस तरह से क्या लोगों को और भी आगे आना चाहिए, बाकी जगह भी इस तरह की गायों के लिए व्यवस्था वगैरह होनी चाहिए सर के लिए? जहाँ भी मौका मिले, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, ये लोग बोल नहीं सकते हैं, इनकी सेवा करके लोग पुण्य प्राप्त करेंगे और दूसरा एक मन में खुशी प्राप्त होती है। इसके अलावा बेचारी गायों की कई बार ये है कि काफ़ी ठंड पड़ने से मृत्यु भी हो जाती है, तो जहाँ भी अवसर मिले लोगों को सेवा करना चाहिए। बताने कि मानव सेना के साथ साथ पुलिस की गौ सेवा वाले इस काम की तारीफ हर कोई कर रहा है। वहीं अब इस थाने में अलाव से ठंड भगाने के लिए गायों की भी भीड़ जुटने लगी है। अब रोज यहां पर शाम के वक्त सैकड़ों गौवंश पहुंच जाते हैं और अलाव के पास बैठ जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगर मालवा से फहीम कुरैशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।